हमारे चैनल पोल खोल पोस्ट को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे नई अपडेट्स आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदुरप्पा के कथित तौर पर जुड़ी एक डायरी के निराधार आरोपों को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराने का फैसला लिया है। कांग्रेस ने शुक्रवार को एक मीडिया रिपोर्ट की लोकपाल से जांच कराए जाने की मांग की थी। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि येदुरप्पा ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को 1800 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। यह आरोप येदुरप्पा की कथित डायरी के फोटोकॉपी पर आधारित है, जो शनिवार को आयकर विभाग को सौंपी गई, लेकिन उसने जाली दस्तावेज व चंद्र पन्ने बताकर इसे खारिज कर दिया। बीजेपी प्रवक्ता और विधायक एक सुरेश कुमार ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, आयकर विभाग का बयान एक की डायरी की जाली दस्तावेज है। अब साबित हो गया है कि कांग्रेस हमारी पार्टी के नेताओं की छवि बिगाड़ने की कोशिश में बुरी तरह नाकाम रही है। उन्होंने कहा, चूंकि यह साफ है कि सुरजेवाला ने जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया, इसलिए उन्हें निराधार आरोप लगाने की तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कुमार ने कहा कि बीजेपी की कर्नाटक इकाई ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से विचार विमर्श किया और जल्द ही सुरजेवाला को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर एक पुलिस शिकायत दर्ज कराई जाएगी। बीजेपी प्रवक्ता ने, चूंकि आयकर विभाग ने इसे जाली दस्तावेज बताया और तो हम निर्वाचन आयोग से अनुरोध करते हैं कि किसी भी चुनाव प्रचार अभियान के तौर पर तथाकथित डायरी का इस्तेमाल ना करें। कुमार ने यह भी मांग की कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अपने ट्वीट के लिए माफी मांगनी चाहिए, जिसमें एक पत्रिका की एक खबर का हवाला देते हुए सभी भाजपा नेताओं को भ्रष्ट बताया गया। अभी तक के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इस तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, साथ ही बताना चाहेंगे 2019 की राजनीति से जुड़ी हुई तत्काल की न्यूज देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे नई अपडेट आपको समय पे मिलता रहे।